खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी से है, जहां पिछोर विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर पद छोड़ने की बात कही। बता दें कि दरअसल मामला मायापुर थाना के 100 के चालक अजय योगी और होमगार्ड सैनिक सुरेंद्र सिंह चौहान द्वारा युवक की मारपीट करने का वीडियो वायरल हुआ था। वहीं वायरल वीडियो में डायल 100 के चालक व होमगार्ड सैनिक ने युवक को मारते हुए पिछोर विधायक प्रीतम सिंह लोधी को गालियां दी, जिसके बाद विधायक प्रीतम सिंह ने अपने फेसबुक से एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे और मेरे कार्यकर्ताओं को टारगेट करके बदनाम करने की साजिश रची गई है, जिससे मैं बहुत दुखी हूँ और प्रशासन ने अगर साजिश रचने वाले लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सोमवार भाजपा कार्यकर्ताओं सहित प्रीतम सिंह लोधी के समर्थकों ने मायापुर थाना का भी घेराव किया, साथ ही नारेबाजी की। वह थाना प्रभारी नीतू सिंह अहिरवार को भी ज्ञापन सौंप कर डायल 100 के चालक और होमगार्ड सिपाही पर मामला दर्ज कर निलंबित करने की मांग की। आपको बता दें कि भाजपा कार्यकर्ताओं के घेराव करने एवं ज्ञापन देने से पहले ही मायापुर थाना प्रभारी नीतू सिंह अहिरवार ने डायल 100 के चालक अजय योगी एवं होमगार्ड सैनिक सुरेंद्र सिंह चौहान के ऊपर तमाम धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। शिवपुरी से कमर खान की रिपोर्ट। 100 डायल के स्टाफ में तैनात सैनिक थे सुरेंद्र चौहान और 100 डायल का चालक अजय योगी। इन दोनों ने जो इवेंट पर जो गाड़ी हुई थी वहाँ जो एक व्यक्ति है उसकी मारपीट कर दी है, उस संबंध में जांच कराई गई और उन दोनों कर्मचारियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर संबंधित विभाग को, जो सैनिक था वो होमगार्ड कार्यालय से था, उनको भेजा गया पत्राचार, वहाँ से उसको निलंबित कर दिया गया। थाने की कार्रवाई में उसके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई। मामला ये है कि 11 तारीख को एक अपना सुरेंद्र सिंह चौहान जो कॉन्स्टेबल थे और उनके साथ में एक आरक्षक और थे, दोनों ने एक फरियादी को आरोपी को पकड़ा और उस आरोपी की पहले पिटाई करी, जो कि एक तरीके से गलत है। पहले आरोपी को थाने में पेश किया जाता है और माननीय विधायक जी को इस तरीके से दिखाया गया कि विधायक जी की छवि को धूमिल करने का प्रयास सीधा सीधा किया गया है। तो उसी घटना से सभी कार्यकर्ता लोग आहत थे। सभी कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर और थाने में आवेदन दिया है संबंधित आरक्षक के खिलाफ कि उस पर FIR हो और पद से निलंबित हो। तो पद से निलंबित तो वो हो चुका है, अब FIR की जो प्रक्रिया है वो भी हो चुकी है। अब वहाँ पे जैसे अपराधी को फरियादी ने पकड़ लिया था उसको और वो डायल 100 को फोन लगाते हैं, डायल 100 वहाँ पहुँचती है, अपराधी को खम्भे से छुड़वाती है और उसको बुरी तरह से डायल 100 का ड्राइवर अजय योगी और होमगार्ड सैनिक जो डायल 100 पे सैनिक हैं सुरेंद्र सिंह चौहान, उन्होंने उसको गाली दी पे मारा। अजय योगी जो कि एक प्राइवेट उससे रखा ठेका पे रखा जाता है, तो उसने भी उसको गाली गलौज की, उस वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है। और माननीय हमारे विधायक जी के खिलाफ भी अशब्द बोले, हमारी मांग थी कि उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ FIR की जाए। तो अभी थाना प्रभारी जी को ज्ञापन दिया है तो उन्होंने हमको ये कॉपी भी दी है, FIR भी हो गई है दोनों के खिलाफ और आश्वासन दिया है कि हम बर्खास्त के लिए कार्रवाई करके भेज रहे हैं। क्या दिनांक 11/7/2024 को हमें 12 बजे यहीं एक घटना हुई थी, उस घटना के विषय में आज हमने उस घटना में जो क्या था, उस घटना में जो यहाँ डायल स्टाफ था उस स्टाफ सुरेंद्र सिंह चौहान के द्वारा एवं अजय योगी के द्वारा माननीय पिछोर विधायक प्रीतम सिंह लोधी जी को अपशब्द बोला गया एवं उस को ऐसा तोड़ मरोड़ के पेश किया गया जिससे कि माननीय विधायक जी की धूली छमित हो, उससे हम सभी कार्यकर्ता बहुत क्षति पहुंची है हमारे अंदर आत्मा को, जिससे आज हम सभी कार्यकर्ता मंडल मायापुर के इकट्ठे होकर आज हमने SP पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम आज यहाँ मायापुर थाने में ज्ञापन दिया है और इसकी निष्कासन पद निष्कासन की हमने मांग की है और FIR की भी मांग की थी, जिसमें FIR हो चुकी है।